देवास जिले के नेमावर में 2 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या महापर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान करने पहुंचेंगे, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशन में और SDM प्रिया चंद्रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जहां सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दायित्व सौंपे गए। बैठक में तहसीलदार, पार्षद और नगरवासियों के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आने वाली सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या मेले को लेकर आज यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें राजस्व हमले से ये मैडम, तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी और सभी विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे, जिसमें बैठकर आगामी पर्व श्रद्धालु को किस प्रकार हम बेहतर बनाए, कैसी व्यवस्थाएं दें और आने वाले श्रद्धालु कोई तकलीफ ना हो, मां नर्मदा का स्नान मंगलमय हो, इस हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे विभागीय अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष की उपस्थिति में आज इस संबंध में बैठक की गई है। चूंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस हेतु व्यवस्था के लिए पूर्व से तैयारी की जाना आवश्यक है, इस हेतु समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि उनको जो दायित्व सौंपे गए हैं उसको वो भलीभांति 20 दिन के भीतर पूरा कर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।